हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 11 ऑन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बच्चों, अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डील किया, चाहे परमुटेशन किया हो उनका, चाहे कॉम्बिनेशन किया हो, लेकिन अभी तक के सारे ऑब्जेक्ट्स जो थे वो डिस्टिंक्ट थे। आज से हम लोग एक न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस इसमें कर रहे हैं, जब हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स होंगे लेकिन उन सभी ऑब्जेक्ट्स का डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं है, उनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स अलाइक भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आगरा, ए जी आर ए, अब इसमें ए ए दो बार आ गया, या अलाहाबाद, मिसिसिपी, ऑल दीज आर द वर्ड्स जिस प्रकार के प्रॉब्लम्स हमने अभी तक क्लास में कवर अप नहीं किए हैं, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने थ्योरी भी कवर नहीं की थी। तो आज हम वही थ्योरी कवर करेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले हम डील करेंगे टेकिंग ऑल एट ए टाइम, उसके बाद टेकिंग सम एट ए टाइम, और जैसे हमने सेकेंड लेक्चर में और फर्स्ट लेक्चर में डिक्शनरी फॉर्मेशन सीखा था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का एंड डिस्टिंक्ट डिजिट्स का, इसी तरीके से अलाइक ऑब्जेक्ट्स में डिक्शनरी फॉर्मेशन कैसे होता है और वर्ड्स या सॉरी नंबर फॉर्मेशन कैसे होता है जब डिजिट्स रिपीट कर रहे होंगे, तो वो चीजें इस चैप्टर में, मतलब सॉरी इस सेक्शन में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमुटेशंस ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। Permutations of alike objects. Alike objects. तो सबसे पहले जो है इसका फॉर्मुलाइज करने से पहले एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमने अभी तक पढ़ा और जो अभी पढ़ने वाले हैं उसमें डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए मैंने एक वर्ड ले लिया, कोई भी एक वर्ड बताओ तीन लेटर का जिसमें एक लेटर रिपीट होता हो। ठीक है, देखो मान लो हमने ये एक वर्ड लिया डेड, ओके, और ये पूछा गया कि इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताओ, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस टेकिंग ऑल एट ए टाइम, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, बातें नहीं, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस और अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम, टेकिंग ऑल एट ए टाइम, मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेना है। तो सारे ऑब्जेक्ट्स से मतलब यहां पर टोटल तीन ही ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये सवाल आपसे यहां पर ऐसे लिखा होता डी वन ए डी टू, मतलब तीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप इसका आंसर सीधा सीधा थ्री फैक्टोरियल बताते कि नहीं बताते? इसका आंसर थ्री फैक्टोरियल होता ना, होता कि नहीं होता? लेकिन अभी तो डी वन डी टू तो डी है, तो क्या चेंज आने वाला है देखना। आप इसको पहले डी, जो डी दोनों सेम थे ना, इनको डी वन डी टू मान के वो जो थ्री फैक्टोरियल यानी कि सिक्स अरेंजमेंट्स है ना, वो लिख लो। देखो पहला अरेंजमेंट क्या आएगा, डी वन ए डी टू, एक ये बनेगा, दूसरा बनेगा डी वन डी टू ए, बना के नहीं, तीसरा जो बनेगा ए डी वन डी टू और ए डी टू डी वन, फिर क्या बनेगा डी टू ए डी वन और डी टू डी वन ए। अगर ये तीनों के तीनों लेटर्स डिस्टिंक्ट होते तो थ्री फैक्टोरियल यानी कि सिक्स अरेंजमेंट होते इनको सबको एक साथ लेकर, और वो ये सिक्स अरेंजमेंट्स हैं। लेकिन डी वन डी टू तो अलग अलग नहीं है, डी वन डी टू तो डी है, तो सेम है, तो जो सफिक्स है ये मिटा रहे हैं हम अभी, ये मिटा दिया, देखो अब आप देखो कितने डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स हुए, ये और ये एक ही बात है कि नहीं, है कि नहीं है, ये और ये एक ही बात है कि नहीं, और ये दोनों एक ही है कि नहीं, तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स हैं, तीन। बात समझ में आई? इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि अभी जब ऑब्जेक्ट्स रिपीट होंगे, अलाइक टाइप के होंगे, एक जैसे होंगे,
या आइडेंटिकल होंगे, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ परमुटेशन घटने वाले हैं, लेकिन कितने घटेंगे वो बात हम अभी तक पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कि कितने घटने वाले। लेकिन हमने यहां देखा कि यहां टोटल 6 थे, अभी इफेक्टिवली 3 रह गए, 3 रहेगी नहीं रहे भाई, इन दोनों को मिला के एक बना, एक अरेंजमेंट है, इसको और इसको मिला के एक बना, क्योंकि सेम ही है और ये भी एक ही है, तो टोटल 3 अरेंजमेंट हुए। तो मन में विचार ये आया कि ऐसा तो नहीं कि आधे हो जाते हो, लेकिन इतनी जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, टोटल का आधा करना है क्या, ऐसा ऐसा मन में विचार आया। लेकिन ये विचार आ सकता है क्योंकि यहां पर पहले एग्जाम्पल में तो ऐसा हुआ है। अब दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। अब दूसरे एग्जाम्पल हमने लिया, सपोज एक यही लिख लेते हैं, ए जी आर ए, अब चार वाला लेते हैं, आगरा, राइट। और इसमें आपको ये पता है कि अगर ये सारे के सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट होते तो 4 फैक्टोरियल बनते, टेकिंग ऑल एट ए टाइम। अगर ये सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट होते और आपको बोला जाता कि 4 लेटर वर्ड्स कितने बनेंगे, तो 4 फैक्टोरियल आंसर होता कि नहीं होता, है कि नहीं। देखो ये A1 और इसका नाम मैंने A2 रख लिया। अब अगर A1RGA2 ऐसा लिखा है तो इसके 4 लेटर वर्ड बनेंगे बेटा 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। अब 24 वो लेटर हम बना रहे हैं, देखना कौन कौन से होंगे 24। A1 जैसे लिखा था वैसे लिखते हैं, A1RGA2, फिर A1RA2G, फिर A1G, इसको इधर ले लो, RA2, A1GA2R। समझ में आ रहा है कि नहीं। A1 अभी फिक्स रख रहे हैं यहां पर, A1 अभी किसको ले लेंगे, R ले लिया, G ले लिया, अब A2 ले लो उसके साथ में, A2, तो G R और A1 A2 R G। समझ में आ रहा है। अच्छा फिर बाकी लिखते हैं, ये तो मिटा दो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मिटा सकते हैं ना इसको। ओके तो ये आपने टोटल बनाए 6, ये 6 बना लिए जब A1 से शुरू हुए। अब आप A2 से शुरू करो, A2 A1 GR A2 A1 RG बराबर है, A2 G A1 R, A2 G R A1, फिर A2 R A1 G और A2 R G A1, 6 ये हो गए, हो गए कि नहीं हो गए। इसी तरीके से अगर आप G से बनाते हो, G से, तो देखो G A1 A2 R, G A1 R A2, G A2 R A1 और G A2 A1 R और G R A1 A2 G R A2 A1, 6 ये हो गए। और इसके बाद लास्टली R से बनेंगे, तो R A1 A2 G R A1 G A2 R A2 A1 G R से R A2 G A1 R G A1 A2 और R G A2 A1। तो बेटा टोटल ये बन गए 24। लेकिन अब हम फिर से वही काम करेंगे जो पहले किया था, A1 A2 तो A है, तो जहां भी सफिक्स में आए हुए हैं उनको सबको गायब कर दो। ये A1 गायब किया, ये A2 गायब किया, A1 गायब किया, A2, A1, A2, A1, A2, सब जगह से कर देंगे इसे, सबको हटा दो। जब आप ये सब हटा लोगे ये सब हट गए, ठीक है। अब आप इफेक्टिवली काउंट करना कि कितने हैं ये। देखो ए आर जी ए
ए आर जी ए, इसका नाम मैंने वन रखा, ए आर जी ए, ये और ये एक ही है कि नहीं, और कहीं नहीं होगा ये, देख लो। इसके बाद ए आर ए जी, ए आर ए जी, इसका नाम टू रख लिया। इसी तरीके से आप सब काउंट कर लो, टोटल आप देखोगे कि इफेक्टिवली 12 है, इफेक्टिवली 12 है। लेकिन जैसे ही ये 12 आए, तुरंत जो है पांडे जी के मन में एक विचार आ गया कि पहले 6 थे, आधा हुआ था, 3 हो गए थे, अभी टोटल 24 थे, फिर आधा हो गया, 12 हो गए, तो क्या ऐसा कोई नियम है कि आधा ही होते हैं? तो इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है, जितने भी लेटर्स रिपीट होते हैं टोटल को उतने फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाता है, टोटल को उतने फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाता है। जैसे देखो, अगर आप फिर से वो पहले वाला ही एग्जांपल लेते हो और इसमें, हाँ बोल, नहीं तो वो जीसस रोने वाले आधे बन जाएंगे ना, टोटल गिनेगा ना फैक्टिवली 12 आएंगे, ऐसा मतलब है इसका। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास तीन डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, अब हम थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे हम फॉर्मुलाइज करेंगे A1, A2, A3। इससे ये भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं है कि हाफ होते हैं, जितने रिपीट होते हैं उतने फैक्टर से डिवाइड करना होता है, ठीक। अब मान लो A1, A2, A3 तीन डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं और इन तीनों को लेके आपको अरेंज करना है, तो कितने बनेंगे आंसर? 3 फैक्टोरियल, अगर डिस्टिंक्ट है तो A1, A2, A3, A1, A3, A2, A2, A1, A3, A2, A3, A1, A3, A1, A2, A3, A2, A1। अगर ये सब डिस्टिंक्ट होते तो आपका आंसर 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 है कि नहीं है। अब इनके सबके 1, 2, 3 सफिक्स वाले हटा दो तो ये कुल मिला के एक ही है ना, ए ए ए है या नहीं है? तो यहां तो आधे नहीं हुए, आधे नहीं हुए ना। तो मतलब कुल मिला के बात यह है बेटा कि जितने भी लेटर्स रिपीट हो रहे होंगे टोटल आप एक बार डिस्टिंक्ट मान के करेंगे और उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे जितने रिपीट हो रहे हैं, जो अलाइक हैं, तो वो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ परमुटेशंस देगा, क्योंकि जितने डिस्टिंक्ट हैं उनकी वजह से उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, लेकिन वो डिस्टिंक्ट नहीं है एक्चुअली, वो अगर अलाइक हो गए तो इतना मतलब उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो सिंपल एक अर्थमेटिक का रूल है ना, कि आप किसी कारण से कर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे और वो वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उतने से डिवाइड करना पड़ता है ना, सिंपल। तो अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा, ये मिटा दूं ना मैं, ठीक है। देखो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कि भाई सपोज वी हैव एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, लिखेंगे सब लोग, सपोज वी हैव एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सपोज वी हैव एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन विच, इन एन डिस्टिंक्ट नहीं, एन ऑब्जेक्ट लिखो, डिस्टिंक्ट वर्ड हटा दो, सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट नहीं सॉरी, सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट इन विच P ऑब्जेक्ट आर अलाइक ऑफ वन काइंड, अलाइक ऑफ वन काइंड मतलब एक जैसे P है, P ऑब्जेक्ट आर अलाइक ऑफ वन काइंड, Q ऑब्जेक्ट आर अलाइक ऑफ अनदर काइंड, ये दूसरी प्रकार के हैं, अनदर काइंड, एंड R ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड, अलाइक ऑफ थर्ड काइंड, तीसरी प्रकार के हैं, और बाकी कितने बच गए, N माइनस P प्लस Q प्लस R जो बच गए वो सब डिस्टिंक्ट बचे, रेस्ट आर डिस्टिंक्ट, देन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, then total number of permutations, then total number of permutations taking all at a time, taking
ऑल एट ए टाइम, ब्रैकेट में रिपीटेशन नॉट अलाउड, जो जितनी बार आए हैं उतने ही, ठीक है, सबको लेना है, टेकिंग ऑल एट टाइम, इज गिवन बाय एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। मतलब जो जितने भी टोटल हो सकते थे डिस्टिंक्ट और जो अलाइक हुए हैं उतने फैक्टोरियल से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और परमुटेशंस विल बी एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये पूछा हाउ मैनी, लिख लिए एग्जाम्पल लिखिए, हाउ मैनी वर्ड्स, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड, ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड, डैडी लिख लो पहले, फर्स्ट डैडी, डी ए डबल डी वाई, डी ए डबल डी वाई, सेकेंड लिखेंगे विवेकानंद, और ये टेकिंग ऑल एट ए टाइम है, टेकिंग ऑल एट टाइम, फिर सदानंद लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। अभी जो पहले हम अरेंजमेंट करना सीख लेंगे, उसके बाद हम इनकी जो रैंक वाला क्वेश्चन था ना वो भी करेंगे इसमें साथ में। अब देखो यहां पर टोटल काउंट करो, एन कितना है 5, टोटल जो है 5 लेटर्स हैं, इन 5 में अलाइक कितने हैं 3, तो पी जो है वो 3 हो गया, बाकी डिस्टिंक्ट है, उससे कुछ लेना देना नहीं। तो इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, कुछ भी कह लो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 120 और बाय 6 मतलब 20, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ, विवेकानंद, देखो वी आई वी ई के ए, विवेकानंद एन ए एन डी ए, ठीक। तो 2, 3, 4, 5 और 3, 8, 2, 10 और 1, 11 टोटल 11 लेटर्स हैं, टोटल 11 लेटर्स हैं, और इन 11 लेटर्स में 2 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे और 2 एक जैसे, तो मतलब n तो यहां पर 11 हो गया, n 11 हो गया, p कितना लेंगे 2, q कितना लेंगे 3, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको q नहीं ले सकते थे, आपको ये देखना है कि अलाइक कितने हैं, और r कितना लेंगे 2, अगर और भी एक जैसे हो तो उसका नाम ऐसे रख लेते, उतने फैक्टर से हमें डिवाइड करना होता है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो गए बेटा बताओ, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू अरेंजमेंट्स 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये बात का मीनिंग समझो ध्यान से कि यहां पर टेकिंग ऑल एट ए टाइम है, कोई भी लेटर एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा, जितनी बार दिया है उस वर्ड में उतनी ही बार रिपीट होना है, ऐसा नहीं है कि यहां पर आई एक बार दिया है तो आप 2-3 बार यूज कर लोगे, ऐसा नहीं है, वी को आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। तो ऐसा किसी के मन में चल रहा कि सर जब अलाइक ऑब्जेक्ट तो रिपीटेशन तो अलाउड हो ही रहा है ना, तो रिपीटेशन केवल उन्हीं का अलाउड है जो एक से ज्यादा बार दिए हैं, जो एक ही बार दिए उनको एक ही बार यूज करना है, जो 3 बार यूज किए दिए गए हैं उनको एग्जैक्टली 3 ही बार यूज करके जितने टोटल 11 लेटर वर्ड्स बन सकते हैं वो है ये अरेंजमेंट हो रहा है यहां पर। जब अलाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो एनसीआर और एनपीआर दोनों ही एप्लीकेबल नहीं होते,
एनसीआर और एनपीआर केवल और केवल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में ही अलाउड रहते हैं, ठीक है। वहां पर आपने अगर याद की देखा हो ध्यान से, तो हम लिखते थे इफ वी हैव एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ दीज एन इज एनसीआर। डिस्टिंक्ट वर्ड हर बार लिखा है, ठीक है। तो अलाइक में आप एनसीआर का कंसेप्ट नहीं ले सकते और ऑफ कोर्स एनपीआर भी नहीं ले सकते। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द नंबर ऑफ सिक्स डिजिट नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ सिक्स डिजिट नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ सिक्स डिजिट नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय फाइव, नॉट डिविजिबल बाय फाइव, फाइंड द नंबर ऑफ सिक्स डिजिट नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय फाइव दैट कैन बी फॉर्म्ड, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर, यूजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर 121202, 121202, ठीक है। पूरा एक नंबर है ये, इस नंबर के डिजिट्स को यूज करके आप टोटल ऐसे कितने नंबर्स बना सकते हैं जो पांच से डिवाइड नहीं होते। सब यूज करने आपको, तो बताओ कैसे करेंगे। देखो नंबर आपको दिया है एक 121202, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको तीन और तीन छह सिक्स डिजिट के वो नंबर्स बनाने हैं जो पांच से डिवाइड नहीं होते हैं, ऐसा ही है ना सवाल, तो बताइए कैसे करेंगे। देखो इसे आप क्या करो, एकदम ध्यान से, बहुत आसान सवाल है, कुछ भी भारी नहीं। आप सबसे पहले तो ये देखो कि यहां पर वन वन दो बार आया और टू जो है वो तीन बार है और जीरो एक बार है, ठीक है। पांच से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो ये है कि यूनिट प्लेस पे जीरो या फाइव होना चाहिए। तो पहले मैं टोटल नंबर से निकाल लेता हूं इसमें, और टोटल में से वो नंबर आप खाली सब्ट्रैक्ट कर दो जो पांच से डिवाइड होते हैं, तो जो बचेंगे वो वही होंगे जो पांच से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है ना। इसको कैसे यूज करना हो देखो, रिक्वायर्ड नंबर्स या टोटल नंबर ऑफ नंबर्स छह डिजिट के बनने हैं, ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय फाइव, विच आर नॉट डिविजिबल बाय फाइव, विच आर नॉट डिविजिबल बाई फाइव इज इक्वल टू टोटल, टोटल माइनस नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई फाइव, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई फाइव, मतलब नंबर, मतलब नंबर्स ऑफ, नंबर ऑफ नंबर्स है ना, हाँ, विच आर डिविजिबल बाई फाइव। अब देखो ध्यान से, टोटल तो कितने बनेंगे, ये सिक्स है, तो सिक्स फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इन टू थ्री फैक्टोरियल, इतने बनेंगे कि नहीं बनेंगे, टोटल तो ये बनेंगे, बढ़िया आप लोगों ने निकाल दिए। अब इसमें से आपको वो नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं जो पांच से डिविजिबल हो, तो देखियो मैं ऐसा लिख सकता है यहां पर, मतलब मैं यहां बताता हूं आपको, ये मैंने ऐसे छह बॉक्स बनाए, एक दो तीन चार पांच और छह, ठीक, जीरो एक ही है और पांच है नहीं, तो जीरो तो यहां फिक्स हो गया क्योंकि पांच से डिविजिबल चाहिए। जब जीरो यहां फिक्स हो गया तो
एक दो तीन चार पांच, ये पांच टोटल प्लेस है। इन पांच प्लेस में भरने के लिए पांच बंदे अवेलेबल हैं, उन पांच बंदों में से दो एक जैसे और तीन एक जैसे हैं, है नहीं है, तो उनको अरेंज कर सकता हूं मैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल तरीके से। भाई जो पांच बचे इनको भरने के लिए, उन पांच में कौन कौन बचे हैं, एक तो वन वन टू 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 ये बचे हैं ना, तो इन पांचों को आप, अगर ये पांचों डिस्टिंक्ट होते तो आप 5 फैक्टोरियल लिखते थे, लेकिन ये पांचों डिस्टिंक्ट नहीं है, इन पांच में दो एक जैसे हैं तीन एक जैसे हैं, तो इनके टोटल अरेंजमेंट इन 5 प्लेसेस पर यही होंगे कि नहीं होंगे, बोला एग्री कि नहीं। तो कैलकुलेट करो कितना आंसर आया और बताओ सही है कि गलत। पक्का लॉक कर दिया जाए? ठीक है, लेकिन पता है इसमें ये आंसर इंटरेस्टिंगली रॉन्ग है। यस, बताओ क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वो बिल्कुल सही है मतलब, लेकिन अपने को इस तरीके से चलना था। कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ गड़बड़ किया हमने बताओ? नहीं, देखो ऐसा नहीं है, ये तो हमने बिल्कुल सही किया। पता है मजेदार काम क्या हुआ, जब हमने टोटल लिखे, टोटल तो टोटल में नहीं, वो तो आने ही थे, 5 से डिविजिबल तो आने ही थे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और टोटल में से हमें वो घटाने भी थे जो 5 से डिविजिबल होते हो। लेकिन क्या आप लोगों ने इस बात पे गौर किया कि जब आपने 6 डिजिट के टोटल नंबर बनाए तो आपने इसको लिखने में वो नंबर भी इंक्लूड कर लिए जो 0 से शुरू हुए, हुए कि नहीं? तो आपको वो नंबर भी सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे जो 0 से स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि वो तो 6 डिजिट का नंबर ही नहीं बना। तो आपको इसमें से क्या करना है, माइनस वो नंबर्स विच आर स्टार्टिंग विद जीरो, जो 0 से स्टार्ट हुए, स्टार्टिंग विद जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग विद जीरो वाले नंबर इसमें आ गए थे, आए थे कि नहीं? तो इसलिए माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और करना पड़ेगा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग विद जीरो वाले कौन से होंगे, ये बने आपका 1 2 3 4 5 और 6, यहां 0 रख दो। जब ये 0 था तो बाकी के 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे इन प्लेसेस में, तो इसमें 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल में ये नंबर भी आ गए थे जो 0 शुरू हो रहे थे। और देखो ये आंसर 50 भी ऑप्शन में होता था और 40 भी होता था, क्योंकि देखो एग्जामिनर किसी को नाराज नहीं करता पेपर के दौरान, तो ये बात आप लोग यकीन मानो, जो बच्चा जो भी आंसर निकालता है वो आंसर ऑप्शन में होता है, लेकिन वो सही होता है गलत होता है बाद में पता चलता है। बहुत बढ़िया ओमकार, अगर मैं आपको यही डिजिट जो है ना 6 डिजिट की बजाय 16 दे दूं तो कर लोगे हिसाब किताब जो अभी हिसाब लगाए हो उस हिसाब से 16 डिजिट का नंबर कर लोगे क्या, जबकि इसको तो आंसर देने में इतना ही टाइम लगना है, ये तो टाइम बराबर ही लेगा ना, चाहे उठे 6 डिजिट को हो चाहे 8 डिजिट को हो चाहे 10 डिजिट को, इसको तो उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन आपको उतना ही टाइम लगेगा कि जो हिसाब लगा के टोटल काउंट कर रहे थे, इसलिए सीखना जरूरी है। ये चैप्टर ऐसा है कि काउंटिंग अगर किसी को प्रॉपर आती है बढ़िया तरीके से वो आंसर तो निकाल ही लेगा, लेकिन जब डेटा बड़ा होता है तब कहीं ना कहीं मेथड्स काम आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यस, किधर? हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 3 1 2 है, बिल्कुल बिल्कुल 3 आएगा, 100%, थैंक यू। तो टोटल आंसर इसका हो गया 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल विद, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल विद 3 एप्पल्स 3 एप्पल्स 4 ऑरेंजेस थ्री एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस ही लिख लो, कोई बात नहीं, 3 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस, ठीक है, कॉमा, फ्रूट्स ऑफ ए स्पेसीज आर ऑल अलाइक, फ्रूट्स ऑफ सेम स्पेसीज आर अलाइक, मतलब जो एप्पल हैं वो एक जैसे मानने हैं आपको,
ऑरेंज जो है वो एक जैसे मानने हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चों के मन में इसमें ये भी विचार आता है ना, सर एप्पल तो छोटे बड़े भी हो सकते हैं फिर अलाइक कैसे माने उनको, ऑरेंजेस में भी थोड़ा कुछ ज्यादा पका हो गया, कुछ ग्रीन हो गया, कुछ आधा ग्रीन आधा ऑरेंज टाइप का दिखता है, कुछ छोटे में होते हैं कुछ बड़े होते हैं, तो अलाइक नहीं होते ना। इसलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पर जो ऑरेंजेस हैं वो आप ये मान के चलेंगे कि वो सब अलाइक हैं और जो एप्पल हैं वो भी अलाइक हैं, तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं बताइए। बिल्कुल 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, खुशी की बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स, 7 डिजिट नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 3 9s, विच हैव एग्जैक्टली 3 9s, मतलब 3 9 आएंगे उसमें, एग्जैक्टली 3 9 तो लेने ही है, तो ऐसे 7 डिजिट के कितने नंबर्स पॉसिबल हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 3 9s। देखते हैं, अभी 7 डिजिट नंबर बनाने हैं, 7 डिजिट नंबर नहीं, 7 डिजिट नंबर बनाना है ना, 9 डिजिट नहीं, सब इंक्लूडेड है। 7 डिजिट नंबर्स बनाने हैं और ऑफ कोर्स 0 to 9 डिजिट यूज करके बनाने हैं, लेकिन उसमें ये बोला एग्जैक्टली 3 9s हैज टू बी टेकन, एग्जैक्टली 3 9s, एग्जैक्टली 3 9 हैज टू बी इंक्लूडेड, हैज टू बी इंक्लूडेड इन ईच नंबर, हैज टू बी इंक्लूडेड इन ईच नंबर। तो ऐसे टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं, यह है सवाल। ठीक है, सवाल समझ में आया। अब मतलब यह हुआ कि देखो 7 डिजिट का नंबर बनाना है और इसमें एग्जैक्टली 3 9 आने चाहिए, तो 1 2 3, एग्जैक्टली 3 कॉन्सिक्यूटिव 9s तो नहीं बोला ना शायद, एग्जैक्टली 3 9s ही बोला है। ठीक है ठीक है, 3 4 5 6 और 7, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इन टोटल 7 प्लेसेस में से आप अगर सीधे सीधे 7 में से 3 प्लेस चूज कर लो, 7 में से 3 प्लेस चूज कर लो, और उन 7 C3 तरीके से चूज किए जा सकते हैं, ऑफ कोर्स दे आर द डिस्टिंक्ट प्लेसेस, इसलिए यहां पर हम लोग एनसीआर लगा सकते हैं, और उन 3 प्लेसेस में 9 को डाल दो, समझना बात को। पहले वैसे ही कर रहे हैं, जो मतलब मन में विचार आना चाहिए कि मैंने 7 C3 तरीके से 3 प्लेस चूज किए और वो जो भी 3 प्लेस चूज हुए उनमें मैंने 3 9 को डाल दिया, 3 9 हो गए। अब इसका मतलब ये हुआ सिंपल कि आपके 7 प्लेसेस में से 3 प्लेस यूज हो चुके, अब 4 प्लेस बचे, उन 4 प्लेस को भरने के लिए आपके पास अवेलेबिलिटी है 0 1 2 3 अप टू 8 तक के डिजिट्स की, है कि नहीं, क्योंकि 9 अब आपको नहीं लेना है, 9 नहीं लेना आपको, 9 तो 3 ही लेने थे। तो क्या आप यहां पर अब मुझे ये बोलेंगे कि जो 4 प्लेसेस बचे उन 4 प्लेस में से उन 4 प्लेस को फिल करने के लिए इन 9 डिजिट में से 4 डिजिट चूज कर लो, तो 9C9 है ना ये, तो 9C4 तरीके से हमने वो 4 डिजिट चूज कर लिए।
जीरो से 80, ये कैसे पता लगा जीरो आता कि नहीं आता? अरे सुनो सही, मेन मुद्दा ही यही है, मैं जो बोल रहा हूं मुद्दा ही वही है कि अगर आपने यहां 7C3 करके आपने क्या किया, 3 9 चूज किए और 3 9 आपने कहां भरे ये तो बताया नहीं ना। तो मान लो आपने वो 3 9 यहां 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 भरे, तो ये बात ध्यान देने वाली है कि जीरो फिर यहां नहीं आ सकता। और अगर मान लो ये बोलो कि नहीं हमने तो 9 यहां भरा था, तो फिर जीरो आ सकता है आगे सब जगह। तो ये तो एक कंफ्यूजिंग मामला है कि नहीं? है कंफ्यूजिंग नहीं है क्यों रितेश बता? या तो ऐसा कर ले पूरे में जीरो वाले केस माइनस कर दे, या क्या करो स्टार्टिंग में आप यहां पर 9 फिक्स कर दो एक बार, पहला केस। मतलब इसमें प्रॉब्लम समझ में आया ना, प्रॉब्लम आने वाली थी इसमें, इसमें जीरो का ना गड़बड़ हो जाता मामला कि जीरो को रखना कि रखना। और मैंने डे वन से एक बात बोली है कि जब भी जीरो आए उसको स्पेशल अटेंशन दो। पिछले क्वेश्चन में जीरो ने गड़बड़ कर दिया था कि नहीं करते था? 50-40 आ गया था। अब देखो अब क्या करो, यहां पर 9 आपने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया। अब आपके पास इन आगे के प्लेसेस में भरने के लिए, 6 प्लेसेस में भरने के लिए 2 9 अवेलेबल है, तो आप इन 6 में से कोई से भी 2 प्लेस चूज कर लो उन 9 के लिए। 6C2 तरीके से चूज कर लिए, अब देखना कहीं कुछ मिसिंग है क्या। तो जब आपने चूज कर लिए और इसमें कहीं नहीं बोला कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, इसका मतलब आप इसको अलाउड या नॉट अलाउड दोनों भी केसेस में सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। तो जब आपने उन 2 प्लेसेस में, बाकी में 2 में 9 भर दिया, मान लो आपने 2 प्लेसेस में 9 भर दिए, अब आपके पास 1 2 3 4, ये 4 प्लेस बचे। इन 4 प्लेसेस में भरने के लिए आपके पास डिजिट्स अवेलेबल है 9, यानी कि ईच प्लेस हैज 9 चॉइस, है या नहीं है? तो 4 की पावर 9 लिखा तो चलता क्या कि 9 की पावर 4 लिखेंगे? पहले डिजिट इस प्लेस को 9 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 9 से भर सकते हैं, इसको भी 9 से भर सकते हैं, इसको भी 9 से। तो 9 9 की मल्टीप्लाई हुई ना 4 तरीके से, 4 4 की मल्टीप्लाई 9 बार कैसे हुई बताओ? समझे नहीं समझे? गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल भी। ये दोनों चीजें बहुत बार होती है ऐसा है, वो जब फिंगर्स में रिंग पहनानी होती है तो रिंग पहननी है कि फिंगर उंगली में जाएगी, उंगली रिंग में आएगी, या लेटर बॉक्स और लेटर डालने वाला, ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है मामला। ठीक है, तो जो मूवेबल चीज है वो जाएगी, जो फिक्स है उसके पास जाएगी। तो यहां पर ये बॉक्स फिक्स थे, मूवेबल थे डिजिट्स, ऐसे ही लेटर बॉक्स और लेटर के केस में लेटर जाते हैं, लेटर बॉक्स लेटर के पास नहीं आते, उंगलियां फिक्स है शरीर के साथ। तो रिंग आएगी, रिंग के पास कितनी चॉइस है वो देखना है, उंगली के पास कितनी चॉइस है वो नहीं देखने वहां भी। तो ये बात दिमाग में एकदम सेट बिठा लो। ओके, तो 9 की पावर 4, अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अब इसमें कौन सा केस बचा? जरूरी तो है नहीं कि 9 यहां शुरू हो, मान लो 9 फर्स्ट प्लेस पे नहीं है, तो अगर अब चॉइस आगे देखो 9 फर्स्ट प्लेस पे नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ, फिर से हमने 7 बॉक्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 हो गए क्या? अब 9 यहां नहीं है, 9 जो है यहां पर नहीं है, इस प्लेस पे 9 नहीं है, इसका मतलब 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 छह प्लेसेस में से ही 3 प्लेस आपने 9 के लिए चूज करने हैं। तो अब आपको यहां पर कोई दूसरा डिफरेंट डिजिट फिल करना पड़ेगा, और डिजिट्स आपके पास अवेलेबल हैं 0 से लेके 8 तक, लेकिन ये तो पक्का है कि यहां पर 0 नहीं आ सकता पहले प्लेस पे। इसका मतलब आप इस प्लेस को 8 तरीके से फिल कर सकते हो। तो इनटू 8 किया किया कि नहीं किया, समझ में आया? और इनटू अब कितने बॉक्स बचे हैं आपके पास? 3 बचे हैं, और हर प्लेस को फिल करने कितने तरीके हैं? 9 9, 0 तो आ सकता है ना, तो 9 क्यूब। देखो यहां मान लो कि 9 9 और 9 यहां आ गए, 3 9 तो आपने ले लिए थे ना, 6C3 तरीके से आपने 9 को यूज किया,
तीन लाइन तो लेनी है आपको, और वो फर्स्ट प्लेस पे नहीं है, और फर्स्ट प्लेस पे जीरो भी नहीं आ सकता, तो केवल बेटा 1 to 8 ही आ सकता है ना। तो यानी कि इस प्लेस को भरने के 8 तरीके हैं, और बाकी 3 लाइन इधर कहीं भी आ चुके हैं, वो आपने सारी पॉसिबिलिटी यहां पर एक्सप्लोर ऑलरेडी कर दी है। अब बाकी के 3 ही प्लेस बचे ना, ये 1 2 3, इनमें से हर प्लेस को फिल करने के 9 तरीके हैं ना, केवल 9 नहीं आ सकता, लेकिन 0 to 8 तो कोई भी आ सकता है ना इसको भरने के लिए। तो हर एक प्लेस को इसको भरने के 9 तरीके, इसको भी 9, इसको भी 9, नहीं समझे? अब कुछ बचा क्या? टोटल करियो, टोटल करो, आंसर मैच करेंगे। जीरो, टोटल जीरो। अच्छा फर्स्ट प्लेस पे जीरो आया, तो क्या बोल रही गायत्री? गायत्री शर्मा के भाई, अलाउड है रिपीटेशन, मना नहीं किया, नॉट अलाउड होता तो फिर उस हिसाब से करते। पुट किया तो 0 से 8 तक ही बचे ना सारे के सारे, 9 ही बचे ना। वो तो पहली जगह पुट किया ना, लेकिन जैसे ही अगले बॉक्स में गया तो अब जो जहां पहले पुट किया वो दूसरा वहां, वो भी तो आ सकता ना जो यहां तूने पुट किया है। हाँ है? देखो यहां पर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कोई सा एक फिल कर दिया, 0 नहीं ले सकते थे। अब फिल करने के बाद आप आगे बढ़े तो अब तो आपके पास वापस से 9 डिजिट अवेलेबल है ना, और 3 जगह भरनी है आपको, लेकिन डिजिट रिपीटेड है, डिजिट रिपीट कर सकते हैं ना आप, तो जो पहले प्लेस पे है वो आगे भी तो आ सकता है, ठीक है? रिपीटेशन अलाउड है। आ गया सवाल समझ में? अब चलिए अब बनाते हैं डिक्शनरी। तो सबसे पहले डिक्शनरी में वर्ड लेते हैं, ओके अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड होता तो इसको 8 तरीके से भरने के बाद इसको 8, इसको 7 और इसको 6 तरीके से भरते थे, फिर ऐसे होता, ठीक है? क्योंकि उतने डिजिट बचे हैं। लेकिन जब देखो कई बार क्या होता है कि कुछ जगह पे तो ऐसा रहता है कि जब कुछ मेंशन नहीं किया तो रिपीटेशन अलाउड मान लेते हैं, कुछ जगह ऐसा रहता है जब रिपीटेशन नॉट अलाउड मानते हैं। अब इसमें बच्चा ये सोचता है कि फिर हमें क्या मानना है, तो वो जो ऑप्शन रहते हैं ना उनको देख के समझ में आ जाता है कि आपको रिपीटेशन अलाउड मान लेना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, अगर क्वेश्चन में क्लियर मेंशन नहीं है तो। क्योंकि जब जनरली जब रिपीटेशन अलाउड होता है तो बहुत बड़ा आंसर आता है, और जो छोटा आंसर आता है रिपीटेशन नॉट अलाउड के केस में, ठीक है ना? तो पता चल जाता है। और ऐसा कभी नहीं होता कि रिपीटेशन अलाउड वाला भी ऑप्शन में होता है, नॉट अलाउड वाला भी होता है, वो तभी हो सकता है जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। बता रहा है आंसर इसका, मैं इसका आंसर मैंने लिखा था, ये है 2 1 5 0 5 5, 2 1 5 0 5 5, ठीक है? क्रिकेट की रैंक निकालेंगे पहले, या उससे भी छोटा है, मतलब कई सारे वर्ड लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखो क्यू, क्यू यू ई यू ई, क्यू 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 नहीं, लाइन रो, ओके। और दूसरा हम वर्ड लेंगे क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी। तीसरा लेंगे सक्सेस, ठीक है? इन 3 से ही आप लोगों को आइडिया लग ही जाएगा कि भाई मतलब रैंक कैसे फाइंड करते हैं। तो मीनिंग यही है सेम, कि जो एक वर्ड दिया गया आपको क्यू, इसके सारे लेटर्स को लेकर आपको एक डिक्शनरी फॉर्म करनी है, इसी के लेटर्स को लेकर डिक्शनरी फॉर्म करनी है, और उस डिक्शनरी में कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि जहां पर ये वर्ड भी बना होगा, तो उस वर्ड की जो पोजीशन होगी
वही इस वर्ड की रैंक कहलाती है, वही इस वर्ड की रैंक कहलाएगी। तो नया कुछ नहीं है इसमें, प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे वहां था हमारा, कि हम लोग सबसे पहले जो भी वर्ड की रैंक निकालनी होती थी उसके लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते थे ना, और फिर डिक्शनरी जैसे बनती है वैसे ही बनाएंगे। तो देखो ध्यान से, पहला काम सबसे पहले इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, ई ई क्यू यू और यू, सारे लेटर्स को लेके बनाना है। तो मतलब देखा जाए तो ई ई क्यू यू यू, अब ये क्या पढ़ा जाएगा पता नहीं, लेकिन जो भी है यही पहला वर्ड है उस डिक्शनरी का, ई क्यू, विद और विदाउट मीनिंग डिक्शनरी बनानी है। अब देखो डिक्शनरी फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना, एक से ही समझ में आ जाएगा तो फिर दूसरा तीसरा आप लोग करके बताएंगे। सबसे पहले मैंने ई को लिया, ई को, तो ई से बनने वाले टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? देखो इसके आगे चार हैं, एक दो तीन चार, इन चार में दो एक जैसे हैं, तो अगर ये डिस्टिंक्ट होते तो फोर फैक्टोरियल लिखते थे आप, लेकिन यहां पर डायरेक्ट फोर फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। अब तो आप सीख गए ना कि यहां जितने जो लेटर रिपीट होते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है। तो ई से बनने वाले बनेंगे टोटल फोर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, यानी कि 12। बोलो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? ई के बाद बनेगा क्यू से, क्योंकि ऐसा नहीं कि दूसरे ई से बनेगा, जो पहले ई से बना दूसरे ई से, वो तो एक ही बात है। और भाई ई में अंतर थोड़ी है, तो ई से तो जितने बन सकते सब बन गए। अब नंबर आया क्यू का, लेकिन जैसे ही क्यू आया वो तो हमें चाहिए था, फ्रीज कर दिया। याद आ रहा है कुछ ऐसे कुछ करते थे हम? ठीक है, इसके बाद जैसे क्यू को फ्रीज किया तो क्यू ई से बनेगा। अब जब आप क्यू ई से बनाओगे तो आपने एक तो क्यू को लिया और एक ई को लिया, तो आपके पास बचे तीन लेटर्स, एक ई है और दो यू है, तो उनके टोटल अरेंजमेंट्स होंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 3। बोलो समझे कि नहीं समझे? कोई 1% भी कंफ्यूजन? श्वेता ओके। सबसे पहले ई से बनेगा डिक्शनरी, अगर मैं इस ई को ले लेता हूं यहां पर, तो इस ई के अलावा बाकी जो चार लेटर बचे उन चार लेटर्स में दो अलाइक है ना, तो उसके टोटल अरेंजमेंट्स 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हुए कि नहीं? फिर उसके बाद में क्यू से बनेगी डिक्शनरी, या कुछ और आ रहा है मन में, किसी कोई और लेटर लेना पड़ेगा? क्यू ही आएगा ना, मतलब एकदम ओपन माइंड सोचो, डिक्शनरी बनानी है आपको तो ई के बाद क्यू का ही नंबर आएगा ना, क्योंकि लेटर ही आपके पास यही है, तो ई के सारे ये बन गए, अब क्यू से बनेंगे, लेकिन क्यू से बनने वाला ही वर्ड हमें चाहिए था इसलिए मैंने क्यू को फ्रीज कर दिया। उसके बाद डिक्शनरी बननी चालू होगी क्यू के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जिसका भी नंबर आता हो, तो ई का ही आता है ना, तो क्यू ई से बनाएंगे। अगर मैं क्यू और ई ये ले रहा हूं तो एक ई और दो यू बचे मेरे पास, एक ई और दो यू को मैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं, जो कि टोटल आते हैं 3। उसके बाद में क्यू यू से ही बनेगा, क्योंकि क्यू ई तो दूसरे ई से बनाओ ऐसा नहीं है, ई तो एक ही है, तो क्यू यू से बनेगा। जब क्यू यू से बनेगा तो मैंने देखा वो तो है यहां पर, तो इसको फ्रीज कर दो, समझे? अब आया नंबर क्यू यू, अब किसका नंबर आएगा बोलो? ई का, ऑफ कोर्स। अब ई का नंबर आएगा लेकिन वो तो चाहिए, तो ये भी फ्रीज हो गया। अब क्यू यू ई ये फ्रीज हो चुके हैं, ये फ्रीज हो चुके हैं, अब आपके पास बचा ही ई, एक तो ई बचा है और एक यू बचा है, ये आपने फ्रीज किया है, इससे बनने वाले आपने वर्ड्स लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। तो अब इसके बाद में क्या बनेगा? ई यू नेक्स्ट वाला, और एक बनेगा यू ई, तो यहां तक आपके 12 और 3 15 बन चुके हैं, एक ये बनेगा 16वां और ये बनेगा 17वां, तो 17th विल बी द रैंक ऑफ दिस वर्ड, समझे? मतलब अगर आपके मन में आया कि जब जैसे आपने इसके बाद में ई के बाद में बाकी दूसरे ई से क्यों नहीं लिए थे, मैंने यहां पर इस ई को फ्रिज नहीं किया था, जो फ्रिज हुआ वो एक ही बार यूज किया गया, इसका मतलब उसके आगे की पॉसिबिलिटी बची है अभी, तो दो लेटर बचे हैं उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब
जो वर्ड क्यू है, क्यू यू ई यू ई, इसकी जो रैंक है वो 17 है, 17th रैंक होगी। एक और देख लो, कोई बात नहीं। कोई एक नाम ले लेते हैं, या इसको ही देख लेते, क्रिकेट को देख लो चलो, या कोई भी नाम बोलो अपना जिस क्या, सदानंद, चलो सदा आनंद, SADANANDA, कि यहीं रुकना है, रुक गए चलो। तो सबसे पहले इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देखो ए तो आए 3, 1 2 3, इसके बाद आया डी 2 बार, ये जल्दी निकल जाएगा, डी और एन 2 बार और फिर एस। अगर इसके टोटल अरेंजमेंट देखे जाए ना, तो 3 2 5 और 3 8 है ये, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये तो टोटल अरेंजमेंट्स होंगे इसके। इतने सारे वर्ड्स पॉसिबल हैं डिक्शनरी में जो बनेंगे, अगर इन लेटर्स को लेकर डिक्शनरी बनाई जाए तो। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले बनेगा ए से। ए से कितने बनेगा, मान लो आपने इस ए को पकड़ा, तो इस ए के आगे ये इन सबको देखो कितने हैं, ये टोटल 7 है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 1 जैसे, 2 1 जैसे और 2 1 जैसे, क्योंकि 2 a है, 2 d है, 2 n है। ए से तो शुरू करना है ना, तो ये तो फिक्स है। उसके आगे जो अरेंज होने वाले बंदे हैं, जो हिलेंगे एक दूसरे में अरेंज होंगे, वो कितने हैं, समझ गए। ए के बाद में इसको वैल्यू निकालते रहना, ठीक है। ए के बाद में नंबर आएगा डी का, जब आप डी को लोगे, ये आ गया डी जिसको आप लेने वाले हो, इसको छोड़ के बाकी 7 बचे, और उन 7 में 3 तो a है 3 फैक्टोरियल और 2 n है 2 फैक्टोरियल, ये शायद 35 आता, देख लेना। डी के बाद में एन का नंबर आएगा, एन का, एन जब हम लेंगे तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 a और 2 d की वजह से यही आएगा जितना d से आया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो s आएगा, लेकिन सदानंद तो हमें बनाना है, इसलिए जैसे ही पहला लेटर हमें मिला हमने उसको फ्रीज कर दिया। फिर s a से बनेगा, s a से डिक्शनरी में ये भी चाहिए, फ्रीज कर दिया। फिर s a d से बनेगा डिक्शनरी में, तो ये भी चाहिए। फिर एस ए डी नहीं, एस ए ए से लेना पड़ेगा, ऐसे फिक्स किया ना, फ्रीज किया है। अब एस ए के बाद में फिर ए का नंबर आएगा, नहीं तो डिक्शनरी में वर्ड्स मिसिंग हो जाते भाई। अभी एस ए जो है फ्रीज किया, ये फ्रीज है, तो अब इसके बाद एस ए ए से बनाओ कितने बनेंगे। तो देखो एस और ए को छोड़ के, मान लो आपने इसको छोड़ दिया, तो 1 2 3 4 5 6 बचे, उन 6 में 2 तो a है और 2 n है और 2 d है, तो ये बनेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन, देखो 2 a छोड़ दिया आपने, 2 d 2 n, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बोलो समझे कि नहीं समझे। हाँ, लेकिन 1 n तो यहाँ फिक्स है ना, आगे तो 1 ही n बचा ना जो आगे मूव करेगा, नहीं वो रिपीटेड में थोड़ी आएगा। मतलब यहां तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे 2 फैक्टर से डिवाइड करना चाहिए था, और टोटल 7 है कि ये 8 है ना टोटल है। हाँ भाई, एस ए ए से बन गए, अब एस ए डी से बनेंगे, एस ए डी से, तो एस ए डी से बनेंगे, नहीं, एस ए ए से बनने के बाद एस ए डी से बनेंगे, वो फ्रीज हो गया। एक और ए से तब बनेगा ना, जब तीसरे नंबर का तो लेटर फिक्स करना पड़ेगा ना। एक और ए से क्या, एस ए ए, ऐसा नहीं। अब इसके बाद में फिर किसका नंबर आएगा, एस ए डी ए फ्रीज हो जाएगा। फिर एस ए डी ए, ये फ्रीज होने के बाद अब आपके पास फिर एक ए बचा, ए, और कितने बनेंगे ए से, इसको फ्रीज करने बाद कितने बनेंगे, कौन कौन बच गए यार, 5 हो गए ना, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल,
तीन बनेंगे, फिर एस ए डी ए एन से बनेंगे, नहीं डी डी एक और बचा है क्या? हाँ बचा है ना, फिर डी से बनेगा। अब कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2n की वजह से अगेन 3, फिर एस ए डी ए एन से बनेंगे फिक्स। अच्छा तो जब तुम लोगों को क्रिकेट निकालना था तो मुझे क्यों इस पे चालू करवाया? क्रिकेट का, हाँ क्रिकेट का 531 सही है, तो फिर सक्सेस का निकालो, सदानंद को मिटा दो भी। नहीं अभी तो पास में पहुंच गया, निकाल सकते हैं जल्दी। किसका सक्सेस का? 37 गलत है। ऐसे डी ए एन ए ये भी फ्रीज हो गया, फिर एस ए डी ए एन ए, फिर डी आएगा वो एक बनेगा, एस ए डी ए एन ए एन आएगा फ्रिज लास्ट में, एस ए डी ए एन ए एन डी 1। टोटल कर लेना भाई सदानंद, कौन सा का सक्सेस का? सक्सेस का 311 नहीं है, क्रिकेट का आपका बिल्कुल सही था, 531 आता है इसका, इसका 531 आएगा। और सक्सेस में थोड़ी और सक्सेस करो, जो आप लोगों के एनसीईआरटी में रिमेनिंग क्वेश्चंस थे ना, अब आप लोग वो भी सब कर सकते हो। सबसे पहले सी सी ई एस 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 यू ऐसे बना, सबसे पहले सी से बनेंगे, 1 2 3 सी से बनने वाले 120 हो गए। कितने बने? 128। वो तो अभी बन जाएंगे देखिए, नहीं 270 भी नहीं है, 300 के ऊपर आएगा। देखो अब ई से शुरू करेंगे, ई से ई को लिया तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 120 को डिवाइड कर दो 2 से, मतलब 60 ये हो गया, 180 तो यही हो गया। बताइए पांडे जी कहां से 140 आ रहा था आपका? और अभी तक तो एस का नंबर भी नहीं आया, अब आया एस का नंबर, एस से बनने वाला पहला ही जो वर्ड बनेगा, पहला ही वो ही 181 बनेगा, 181 पहला ही। तो एस आते ही सार हमने इसको फ्रीज कर दिया, इसके बाद में एस सी से बनेगा, एस सी। अब देखो एस और सी को लिया यहां पर, अब इसके अलावा 1 2 3 4 5 बचे, उन 5 में 2 एस हैं, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 60, 120/2 ठीक, एस सी से। इसके बाद में एस ई से बनेगा, एस ई लिया तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 सी भी हैं तो ये आएगा 30। एस ई के बाद में एस एस से आएगा, एस एस, तो 2 एस हमने ले लिए, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 60। अब एस यू से बनेगा जो हमें चाहिए, तो ये फ्रिज हो गया। बोलो यहां तक समझ में आएगा? नहीं यहां तक अगर किसी को कोई 1% भी प्रॉब्लम हो तो बोलो बिंदास। यस शायद, पता नहीं देखते हैं अभी। 61 है कि 31 है, लेट्स चेक। हाँ
हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है कि 31 आएगा शायद, 331। देखते हैं, रितेश का तो सही रहता है हमेशा। ओके, इसके बाद में देखो एस सी यू सी से बनेगा, लेकिन वो तो चाहिए तो फिक्स हो गया। फिर एस यू सी फिर सी से बनेगा, वो भी चाहिए। फिर एस यू सी सी ई से ही बनेगा, लेकिन वो भी चाहिए। फिर एस यू सी सी ई एस से बनेंगे, वो भी चाहिए। यस, एस यू सी सी ई डबल एस, ये लास्ट है, यही बनाना था। तो 331 इसकी रैंक आएगी, 331। ठीक है, आ गया समझ में? थ्री थर्टी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नहीं, एस एस से बनने वाले सारे लिख देना, तो 3S वाले आ गए ना ऑलरेडी, फ्रीज थोड़ी किया यहाँ। ये एस एस से बनने वाले टोटल कितने बनेंगे? तो वो एस जो बचा था वो भी आ गया इसमें। जब फ्रीज करते हैं तो अलग डील करेंगे ना, जब आपने वर्ड्स बना लिए और इसके जैसे एक और लेटर अब ले ही हो तो वो ऑलरेडी कवर हो गया ना इसमें। ओके, नेक्स्ट लिखिए। हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स, यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड गणपति। नहीं, गणेश जी नहीं, गणपति है। हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड गणपति इफ इफ। अब इसमें चार सवाल हैं। फर्स्ट, ईच वर्ड स्टार्ट विद जी एंड एंड विद आई। ईच वर्ड स्टार्ट विद जी, स्टार्ट विद जी एंड एंड विद आई, स्टार्ट विद जी एंड एंड विद आई। सेकेंड सेकेंड, स्टार्ट विद जी और एंड इन आई, स्टार्ट विद जी और एंड इन आई। ठीक है, दोनों का मीनिंग तो समझ गए होगा आप लोग अच्छे से। थर्ड, इन हाउ मैनी वर्ड्स, इन हाउ मैनी वर्ड्स, इन हाउ मैनी वर्ड्स, इन हाउ मैनी वर्ड्स कॉमा, टू एज आर टुगेदर, टू ए एज आर टुगेदर बट सेपरेटेड फ्रॉम थर्ड ए, बट सेपरेटेड फ्रॉम थर्ड ए। तीन ए है ना इसमें, तो दो ए तो साथ में रहेंगे लेकिन वो तीसरे ए से अलग रहेंगे। इसके कितने नंबर बन सकते हैं? और लास्ट सवाल है, इन तीन को ही करते हैं बस। ठीक है? हाँ, पहले का आंसर 120, 120। फर्स्ट का आंसर 120 करेक्ट है। देखो सबसे पहले तो आप लोग इसमें समझो, सबको लेके कर रहे हैं ये, है ना, टेकिंग ऑल लेटर्स। किसका रिपीटेशन? नहीं, इन्हीं लेटर्स को लेके बनाना है, और इतने ही लेटर का वर्ड बनाना जितने का ये है।
भाई नॉट अलाउड, वर्ड्स बनाने के टाइम पे तो नॉट अलाउड, नंबर्स के बारे में फिर भी सोचेंगे, ठीक है ना? ओके देखो, जी ए एन ए पी ए टी आई, तो तीन तीन छह और दो आठ है टोटल, उन आठ में तीन ए है। तो अगर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन बोलते कि इन सभी लेटर्स को लेकर, इन सभी अल्फाबेट्स को लेकर टोटल कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं, तो आंसर आपका हो जाता कितना, 8 factorial upon 3 factorial। 6 factorial कैसे आ रहा था? अब आ जाओ पहले सवाल पे, ये तो टोटल हो गए। अब फर्स्ट पे आओ, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टार्ट विद जी एंड एंड विद आई, तो मतलब आप ये 8 बॉक्स बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। यहां पर आपको जी लिखना है और यहां पर आपको आई लिखना है। उसने बोल दिया स्टार्ट विद जी एंड एंड विद आई, बात समझ में आई? आई आई मिल गया, बात समझ में आई, एंड विद आई। ओके अब देखो बीच में जो है ना 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉक्स हैं, और जी को और आई को छोड़ के अब आप ये देखो, ये 6 बंदे हैं, इन 6 में 3 एक जैसे हैं, तो इन 6 places में, इन 6 places में इन बंदों को बिठाने के तरीके हो गए 6 factorial upon 3 factorial। समझे नहीं समझे? अगर ये सब डिस्टिंक्ट होते तो 6 factorial आंसर हो जाता था। तो इसका आंसर आ गया 120। ये आपका पहला सवाल का आंसर है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड क्वेश्चन क्या है, ट्राई कर रहे क्या? स्टार्ट विद जी और एंड इन आई, एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पहले आप वो निकालोगे जो स्टार्ट विद जी है प्लस एंड विद आई है माइनस स्टार्ट एंड एंड विद आई, स्टार्ट विद जी एंड एंड विद आई। देखो ये तो और लग गया ना बीच में, तो देखो ये तो वो हैं जो जी से स्टार्ट होते हैं, और 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आई पे एंड होने वाले हैं। इसमें से आप वो सब्ट्रैक्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो जी से स्टार्ट होते हैं और आई पे एंड होते हैं, जो जी से स्टार्ट होता है। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो जी से स्टार्ट होंगे, और आपने कितना लिखा जी से स्टार्ट करके, 7 factorial upon 3 factorial, भाई जी को छोड़ के बाकी तो 7 factorial upon 3 factorial तरीके से अरेंज होंगे, तो इसमें वो भी तो आए होंगे जहां, जब यहां आई आया होगा, इस 7 factorial upon 3 factorial में क्या ऐसे वर्ड्स नहीं आए जब यहां आई आया होगा, आए कि नहीं आए? और जब आप आई पे एंड कर रहे हो तो बाकी जो 7 बंदे हैं ये अगेन 7 factorial upon 3 factorial किया आपने, तो क्या इसमें वो वर्ड्स नहीं आए जो जी पे शुरू हुए होंगे, आए कि नहीं आए? मतलब जी से स्टार्ट होके आई पे एंड होने वाले यहां भी आए हैं और यहां भी आए हैं, मतलब 2 बार आ गए हैं, इसलिए वो एक बार सबट्रैक्ट करना पड़ रहा है। और ये हमने अभी पहला सवाल किया ही था, 6 factorial upon 3 factorial, तो टोटल आ गया है आपका रिक्वायर्ड नंबर 15, लिख दो पक्का? ठीक है, तो 2 into 7 factorial upon 3 factorial माइनस, और सिंप्लीफाई करके 1560 बता रहे हैं बच्चे भाई, 1560 सही होगा आंसर, जब इन लोगों ने कैलकुलेशन किया और सबका कॉमन भी है तो ये बहुत बड़ी बात है, सही है आंसर। ओके अब आ जाओ तीसरे सवाल पे, 600 इन हाउ मैनी वर्ड्स टू एज आर टुगेदर बट सेपरेटेड फ्रॉम थर्ड ए। इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं, पहला बताओ क्या तरीका, क्या क्या हो सकता है?
जो तीनों, अगर हम ऐसा करें कि बिना किसी दिमाग को लगाए टोटल में से ये टोटल था, इसमें से वो घटा दो जब तीनों ए एक साथ हैं, तीनों ए एक साथ हैं, तो क्या उससे आंसर आ जाएगा? उसमें तब भी कुछ ज्यादा आएगा, क्यों? यस यस, देखो तीनों ए एक साथ घटा दिया आपने टोटल में से, तो आपके पास जो बचे वो भी बच गए जब दो एक साथ हैं, और वो भी बच गए जब तीनों अलग अलग हैं। तो आपको अगर टोटल में से घटाना ही है तो आपको क्या क्या घटाना है? जब तीनों ए एक साथ हैं प्लस तीनों ए अलग अलग हैं, अगर ये दो चीजें आप घटा देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं कि भाई जिन लोगों को साथ में नहीं रहना और साथ में रहना है उनको कैसे डील करते हैं, जिनको साथ में रहना है उनको एक टाई कर दो और जिनको साथ में नहीं रहना उनको साइड में खड़े कर दो, समझ गए? तो वैसे ही करेंगे हम अभी। देखो ध्यान देंगे, देखो ये जो तीन ए थे इसमें ये बोला गया कि भाई दो ए साथ में रहेंगे बट दे विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द थर्ड ए। तो जो दो ए साथ में रहेंगे उनको एक बॉक्स में डाल दिया और ये अलग कर लिया। एक तरीके से ये समझो कि ये डबल ए वाला ये बड़ा भाई और ये छोटा भाई, और ये साथ में नहीं बैठते भाई, तो इनको बोला कि भाई तुम दोनों एक काम करो साइड में खड़े हो जाओ, पहले हम बाकी बंदों को बिठा लेते हैं फिर तुमसे बात करेंगे। ठीक, अब बाकी बंदे कौन कौन? जी एन पी टी आई, ये टोटल पांच बंदे हैं और पांचों डिस्टिंक्ट, सही है? हम उनके पांचों के पास गए, बोला भाई तुम आराम से बैठ जाओ एक रो में सब लोग, तो वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं? फाइव फैक्टोरियल। तो हमने उनको फाइव फैक्टोरियल तरीके से 1 2 3 4 5 फाइव फैक्टोरियल तरीके से बिठा दिया। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब इसके बाद इनके बीच में 1 2 3 4 5 और 6 स्पेसेस बचे हुए हैं, 6 प्लेस हैं, लेकिन बैठने वाले दो ही बंदे हैं, बड़ा भाई और छोटा भाई, है कि नहीं? तो इनके लिए दो प्लेस चूज कर लो 6C2 तरीके से, कर लिए, और उन दो प्लेसेस में इनको टू फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दो। अब अगर किसी का मन में ये बात आ रही हो कि यहां पर इंटू टू फैक्टोरियल और करना चाहिए क्योंकि ये दोनों एक साथ थे तो इनका इंटरनल अरेंजमेंट भी तो होगा, तो ये विचार ही गलत है, क्योंकि ए ए आगे पीछे लिखने से कौन सा दो अरेंजमेंट हो रहे, वो तो एक ही है। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में आप एक ऑब्जेक्ट को लो, दो को लो, तीन को लो, एक ही तरीका रहता है उसका, ठीक है? तो यहां पर इंटरनल अरेंजमेंट यानी कि और एक्स्ट्रा टू फैक्टोरियल नहीं आएगा, समझ रहा है? 6 में से 2 प्लेस चूज किए और उन 2 प्लेसेस में एक पे बड़े भाई को और एक को छोटे भाई को बिठा दिया। जो बड़े भाई जो दो का कॉम्बिनेशन था, दो ए ए थे, उनका इंटरनल अरेंजमेंट नहीं होगा, और अगर होगा तो बताओ कौन कौन से हैं वो दो अरेंजमेंट जिसके लिए टू फैक्टोरियल कर रहे हो? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले एक ये वाला ए आया, फिर ये वाला ए आया, फिर अगली बार में ये पहले आया, फिर ये दूसरा आया, तो ये दो अलग अलग हो गए। अगर ऐसा होता होगा तो फिर टू फैक्टोरियल करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से देख लेना, समझ गए? तो यहां तक समझ में आएगा सबको, कोई प्रॉब्लम है? तो बस आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से p अलाइक, q अलाइक, r अलाइक हैं, तो उनको सबको लेकर कितने अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास सिचुएशन यही है, शांत हो जाओ, अगर सिचुएशन यही है कि n ऑब्जेक्ट्स है जिसमें p अलाइक, q अलाइक और r अलाइक है, लेकिन हमें उनमें से कुछ को लेकर अरेंजमेंट करना है या सिलेक्शन करना है, तो वो कैसे करते हैं? जैसे अगर मान लो मैं एक एग्जांपल दूं इसी में, कि मान लो आपको ये बोलते हैं जो गणपति वर्ड है, गणपति वर्ड में इसके लेटर्स को लेकर 4 लेटर वर्ड्स कितने बना सकते हो, 4 लेटर वर्ड्स या 5 लेटर वर्ड्स कितने बना सकते हो, अगर ऐसा पूछा जाता तब हम उस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं?
क्योंकि देखो यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब लेटर्स का रिपीटेशन हो या डिजिट्स का रिपीटेशन होता है एनसीआर तो लगेगा नहीं। अगर ये सब डिस्टिंक्ट होते तो टोटल 8 डिस्टिंक्ट पकड़ के हम सीधा से बोल देते कि 8P3 तीन लेटर वर्ड बन जाते, 4 लेटर वर्ड बन जाते 8P4, 5 लेटर वर्ड बन जाते 8P5, लेकिन वो तब बनते जब ये सबके सब डिस्टिंक्ट होते। लेकिन सब डिस्टिंक्ट नहीं है तब कैसे बनाते हैं, ये मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला है आपके सामने जो आपके नेक्स्ट क्लास में आएगा, यानी कि लेक्चर नंबर 12 में। सो टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।